हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विपिन चौधरी आपका भाई एक नया ब्लॉग लेके आ चुका है। आज का जो ब्लॉग हमारा राइड का है, जो हम जा रहे हैं दिल्ली से बाहर, हम जा रहे हैं मसूरी। और बाकी हम देखते हैं, देखो हमारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। ये अंशु की गाड़ी जा रही है, हम जेट ब्लैक गाड़ी लेके जा रहे हैं, और ये बाइक भी हमारे साथ राइड पर जा रही है। तो ये कहाँ जा रहे हैं मानव भाई? हम जहाँ बोले कहाँ चलने का रहता है, तो चल जेट ब्लैक लेके चलेगा। अरे ये देखो, ये हमारे साथ बाइक भी जाने वाली है, और ये हमारा अंशु भाई ये बाइक चलाएगा। तो हम गाड़ी से निकल गाड़ी से अब हम जा रहे हैं। तो गाइस जैसे चलते हैं वैसे वैसे रूट पे दिखाते हैं। चले अंशु, चले अंशु, डन। गाइस ये देखो, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, और हम ये हमारी गाड़ी का अंदर का टोरा देखो, और ये हमारे भैया हैं। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं। चलो चलो, ये देखो हमारी गाड़ी निकल चुकी है, ये हमारी कई बाइक निकल। चलो चलते हैं गाइस, दिखाते हैं, वहाँ मिलते हैं। चलो गाइस देखो, हम तो जाम में फंस चुके हैं। हम अभी हमने बाईपास क्रॉस किया था, ये देखो दिल्ली का जाम। बताओ अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं, 12 बज गए, 12 बज गए, 12 बजे जाम देखो गाइस, क्या जाम। हाँ, नो एंट्री खुल गई, देखो ट्रकों का जाम देखो। हमारा अंशु भाई तो भाग गया, उसके पास तो बाइक है, ये देख रहे हो, ये गाड़ी देखते जा रहे हैं। गाइस इनका देखो रिएक्शन, देखो रिएक्शन, देखो रिएक्शन, लोग है ना कैसे देख रहे हैं। कार्टून गाड़ी किसी ने देखी नहीं है ना इसे। बाकी देखो भाई, दिल्ली का ट्रैफिक कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये तो मैंने देख लिया। हो सकता है भैया? नहीं मानव, एक टाइम था जब करनाल बाईपास पे चौराहा था, अब फ्लाईओवर भी बन चुके हैं, तब भी हाल है, कुछ नहीं हो सकता। देखो गाइस अभी तक हम ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं, अभी तक निकले नहीं हैं। पता नहीं इतना लंबा ट्रैफिक किस चीज़ का लग रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, काफ़ी देर हो गई। हमें कितना टाइम हो गया ट्रैफिक में लगे फंसे हुए? एक घंटे से ऊपर हो गया। तो एक घंटे से ऊपर हमें ट्रैफिक में हो गया, दिल्ली में ही हो गया एक घंटे से ऊपर ट्रैफिक के। ये हाल है, ये नहीं नहीं अरे अरे हम धीरे धीरे निकल चुके हैं जाम से, बस अब देखो पहुंचने वाले हैं। ये जाम खुल गया, शायद लग रहा कुछ हो रखा है जिसके कारण पता नहीं क्या हो रखा है, ट्रक वाला रुक ही नहीं रहा। ये ओहो, ये मेट्रो की वजह से जाम है क्या? ओह ट्रक ख़राब हो रखा है, ये शायद ट्रक ख़राब हो रखा है। देखिए गाइस इसकी वजह से कितना जाम है हर। और हम निकल चुके हैं, अब ट्रैफिक से फ्री हो गए हैं, फाइनली हम निकल चुके हैं। चलो बाबा का शुक्र है कि हम निकल चुके हैं ट्रैफिक से। क्यों भाई? सही है भाई। गाइस देखो ये अंशु बाइक चला रहा है, स्पोर्ट्स बाइक। गाइस यहाँ पे हम रोड पे रुके हैं, एक बाइक की भैया की गाड़ी ख़राब हो गई, हम निकल रहे थे तो हमने देखा उनकी गाड़ी ख़राब पड़ी है, तो धक्का लगा रहे थे तो हम लोग रुक गए। रात का टाइम है, रोड भी थोड़ा, आपको पता है हाईवे का हाल क्या होता है। तो गाइस ये देखो कि हाईवे थोड़ा ऐसा ही सेफ नहीं होता, तो इसलिए हम लोग रुक गए हैं, तो हम भी हेल्प कर रहे हैं। बाकी आपको भी कोई लगे या कोई आपको लगे ना कि हाईवे पे किसी की गाड़ी ख़राब है, मतलब कि आप लगे जेन्युइन नहीं है, तो आप हेल्प करो यार, हेल्प करना अच्छी बात होती है। देखो अब बेल्ट सीट बेल्ट काट रहे हैं हम लोग, सीट बेल्ट काट के फिट हो करेंगे इस गाड़ी से, ये लगे हुए हैं। फैमिली साथ में थी तो अच्छा नहीं लगता यार, देखो कैसे सुनसान सा रास्ता दिख रहा है ना, तो वही है। अब इस गाड़ी को टो करेंगे इस गाड़ी से, फिर इनको जहाँ ड्रॉप करना है ड्रॉप कर देंगे। तो गाइस मैं तो ये कहूँगा हेल्प करनी चाहिए, पर देख के हेल्प करो, ऐसा भी नहीं है कि मैं एक से ये कह रहा हूँ कि सबके लिए, पर हाँ गाइस आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए तो ज़रूर करो, क्योंकि हेल्प करने से अच्छा है, तो किसी की मदद हो जाती है, कोई किसी के काम आ जाता है, तो क्या ही बुरा है यार। बाकी देखो यार ये गाड़ी सेक्सी लग रही है यार, इसको लोग देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अभी टो करेंगे, जब दिखाते हैं आपको। फाइनली गाइस
अब रस्सी मतलब बैल्ट काटने के लिए अंशु को है ना जाके, मतलब कोई गाड़ी रोक नहीं रहा था तो अंशु को जाके है ना एक टेम्पो वाले को रोका है और बाइक लगा के उसने, तो उन्होंने चक्कू दिया हमें, तो फिर हमने बेल्ट वगैरह काट के अब हमारी फाइनली देखो गाड़ी बंधने जा रही है ये देखो। और वो देखो सामने मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, वो देखो ट्रक वाला है ना वहीं पे खड़ा है जिसने हमें चक्कू दिया है। और ये देखो ये बेल्ट बांधनी चालू हो गई है। क्या करो यार गाइस, मदद क्या करो, वैसे लोग रुकते नहीं हैं पर करनी चाहिए यार गाइस, क्या करो, हेल्प करने से कुछ नहीं जाता, हेल्प करनी चाहिए। देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, फैमिली है पूरी, एक छोटी सी बच्ची भी है 5-6 साल की होगी, तो हेल्प करनी चाहिए ठीक है। तो हमें निकल, अब हम फाइनली गाड़ी बन चुकी है तो हम निकलने जा रहे हैं। ये अब अंशु निकल चुका है बाइक से, हैंड ब्रेक डाउन कर ली भैया, ठीक है तो हम चले। अंशु एक मिनट रुक जाओ, रुक जा मानव, क्या हाँ ये देखो थोड़ा खींच के देख ले मानव, ठीक ठीक है। फाइनली टोचिंग के लिए हो चुकी है रेडी गाड़ी, अंशु चलो ठीक है चलते हैं हम, पीछे वाला बम्पर बचा लेना बस थोड़ा। ये हम बैठ चुके हैं, चल चुका है टोचन के लिए, वो अंशु का है और हम ये रखते हैं बैग को नीचे। ये भैया की यूनिफॉर्म, अरे भैया यूनिफॉर्म कैसे भैया, ये बैग उठा पटक कैसे कर रखे आपने, वैसे ही डाल दिया, कुछ तो कुछ ढूंढ रहा था मतलब कुछ भी। ये देख रहे आपने क्या बना दिया कपड़ों का, इधर उधर पटक पटक के आराम से पहले सेट करो, इसकी ज्यादा वो है सेफ्टी। और मानव ये शीशा ऊपर लगा ले भाई, बाई चांस कमर वगैरह पे लग के चटक ना जाए। ये देखो इस भाई ने हेल्प की थी हमारी, ये ट्रक खड़ा है, इस भाई ने चक्कू दिया था हमें रात के टाइम में भाई, रुको शीशा डाउन करो, अरे रोका ही नहीं भाई आपने तो, हम ब्रेक लग जाती है। अच्छा ठीक है गाइस तो हम निकल चुके हैं फाइनली, ये हमारे पीछे गाड़ी चल रही है देख लो भाई। गाइस हेल्प कर दिया करो यार, लोगों की हेल्प करने में कुछ नहीं जाता, मानता हूँ यार सब लोग एक जैसे भी नहीं होते, सब लोग ख़राब भी नहीं होते, ये भी ध्यान रखो, हेल्प कर लिया करो गाइस, इसमें कुछ नहीं जाता, क्योंकि किसी की यार पता है बच्ची है ना, 5-6 साल की बच्ची है, लेडी साथ में है, दो बंदे और 26 किलोमीटर का सफ़र है, पानी भी नहीं है, वो परेशानी हो रहे हैं, तो उसका देखो बेचारे, अब हेल्प हो गई, अब आराम से उनको हम ड्रॉप कर देंगे तो अपना देख लेंगे। वो इस हाईवे पे आप देखिए, इस हाईवे पे आप देख ही रहो कैसी हालत है, सुनसान पूरा रास्ता पड़ा है, ये भी नहीं है कोई ना बंदा है ना बंदे की ज़्यादा, बस गाड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो हेल्प कर लिया करो यार। गाइस फिर से हम आ गए हैं, वो टोचन के लिए हमने बेल्ट बांधी थी तो बेल्ट टूट चुकी है, देखो दोबारा टूट गई क्या फिर से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना अंकल, बांधी टॉर्च मार लेना। ये देखो हमने सनरूफ खोल दिया था तो अंशु को परेशान किया हमने बाइक रोक के, बंद कर दे इसको, बंद कर दे भाई, अभी रोकता हूं अंकल आगे पानी की दुकान आएगी ना रोक दूंगा, गाड़ी में पानी नहीं पड़ा भैया, अरे पानी वगैरह सब छोड़ दिया तुम लोगों ने वहीं पे, ये देखो सनरूफ बंद कर रहे हैं गाइस क्योंकि हमने खुलवा दी थी तो इसलिए, ये नहीं उसके ना गाइस, हम लोग चाय पीने के लिए रुक चुके हैं, देखो ये टोचन गाड़ी खड़ी है और ये हमारे शॉप पे रुक चुके हैं और यहाँ पर हम चाय वाय पियेंगे, थोड़ा नींद वींद सी आ रही थी और गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, देखो चौकी के सामने हमने गाड़ी रोकी हुई है, ये देखो सही है ना, ये देखो
मेरी बाइक खड़ी। क्या भैया नींद आ रही है? हाँ भाई नींद आ रही है। क्या भाई मानो नींद आ रही है क्या? भाई नींद क्यों आएगी? फिर गाड़ी क्यों रोकी है? भाई गाड़ी इसलिए रोकी पानी पीने का। अच्छा पानी पीने के लिए रुके थे तो चाय वाय पीते हैं फिर निकलते हैं। ये हमारा एक तरह से फर्स्ट स्टॉप है, इसके बाद हम ज़्यादा रुकेंगे तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो चलते हैं गाइस। चाय फाइनली गाइस चाय वगैरह हो गई है, अब हम अपना निकल चुके हैं। ये हमारी गाड़ी रेडी और हम अपना जा रहे हैं अब अपनी में जाना था। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, माना भाई भी बैठ चुके हैं और अंशु ने अपना हेलमेट ले लिया है, बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस चलते हैं, अब इन भैया को भी हमें ड्रॉप करना है वहाँ पे, जहाँ भी इनको आगे बता रहे थे थोड़ा आगे ही है ड्रॉप करने की जगह, तो वहाँ ड्रॉप करके फिर हम निकलेंगे थोड़ा स्पीड में क्योंकि हम हो चुके हैं काफ़ी लेट। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं। फाइनली गाइस हम पहुँच गए भैया के घर, मेरठ आ गए हैं भैया की गाड़ी ड्रॉप करने के लिए। ये देखो सामने बस अड्डा है, यहाँ पे बस अड्डा मेरठ का, और भैया को वहाँ से हमने किया था तो फाइनली हमने छोड़ दिया भैया को। तो भैया भैया का ही आ गया, बस भैया का यही कर, बस फाइनली हो गया है कंप्लीट। मेरठ फाइनली देख लो क्या टाइम हो रहा है यार, टाइम भी काफ़ी हो गया। तो भैया को वहाँ परेशान हो जाते तो हमने अब इनको मेरठ छोड़ दिया है। इनका मेरठ ये देखो थोड़ा आगे, आप समझ गए होगे इसको, मेरठ घंटा घर में ये थोड़ा बस अड्डा आ जाता है आपको पता ही है। ठीक है बाकी ब्लॉग आएगा तो आप देख ही लोगे, इसमें हम पूरा दिखाई देंगे आपको। ठीक है जैसा भी, चलो भैया कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? गाइस फाइनली हमें ना देहरादून के अंदर एंट्री करने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि आज आपको बताया था कि जैसे कि मैंने ब्लॉग में आपने देखा ही था कि हम लोगों की मदद करने के लिए रुक गए थे, तो गाइस उसकी वजह से हम हो गए काफ़ी लेट। तो अब हम मतलब कि ऐसे ही कुछ 55 किलोमीटर से ना देहरादून रह चुका है और हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो ऊपर से पहुँचने ही वाले हैं। देहरादून क्रॉस करते सीधा मसूरी, हम ऋषिकेश जाने वाले थे तो वहाँ का प्लान ड्रॉप करते हम सीधा मसूरी की तरफ निकल चुके हैं। तो ये हम देखो रोड जा रही है, ये हमारे भैया गाड़ी चला रहे हैं भाई भाई। ठीक है और अंशु हमारा पीछे रह गया है। बाहर का देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना रात को, यहाँ तो गाइस बारिश आने वाली है, मौसम ऐसा ही हो रहा है दिखा भी रहा है। और अंशु हमारा भी है बाइक में आ रहा है स्पीड से, ये देखो उसकी बाइक सुर करके आएगी। वैसे गाइस उसकी भी हिम्मत है यार, इतनी कंटिन्यू बाइक चला ही रहा है वो भी। ये देखो आने वाली है उसकी बाइक, ये देखो गाइस थोड़ा पीछे से दिखाते हैं। चालू हो चुकी है तो देहरादून पहुंच के फिर हम आपको दिखाते हैं मंसूरी पहुंच के। ठीक है गाइस, जैसा कि मैंने बताया था हम देहरादून के लिए निकल रहे थे, थोड़ा यहाँ पर रास्ते में बारिश हो गई आपको पता ही है, अंशु बाइक से चल रहा था तो भीग जाता, तो हमने सोचा रास्ते में कहीं स्टे कर लेते हैं क्योंकि बारिश हो जाएगी काफ़ी तेज। तो हम रुक गए हैं होटल में, ये देखो जा रहे हैं हम रूम लेने, ये रहा होटल। तो चलते हैं और होटल बुक करते हैं, फिर जैसा भी हम आपको अपडेट देते हैं, जैसा जैसा होता रहेगा अपडेट देते रहेंगे। देखो गाइस हमने ना रूम ले लिया है, बारिश देखो कितनी तेज हो रही है और मौसम देखो सुबह होने वाली है, और जैसा कि तो हमने सोचा था कि बारिश हो रही है हल्की हल्की पर यहाँ तेज हो गई तो हमें मजबूरन लेना पड़ा। और फिर अब ये हम रुक चुके हैं, अब तो यहाँ से 55 किलोमीटर देहरादून है, देहरादून से हमें फिर आगे जाना है तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास हमें गाड़ी ड्राइव करनी है। तो अब आपको दिख ही रहा है मौसम कितना गंदा हो चुका है, तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करना पड़ा, मजबूरी हो गई। ये देखो हमारे भैया मौसम के मजे ले रहे हैं, 95 वही राउंड फिगर 100 किलोमीटर के आसपास, और ये माना और ये लग गए हैं। देखो नींद आ गई क्या है भाई?
नींद आ गई क्या? ये हमारे बाइक राइडर सो रहे हैं और वो हमारे माना भाई को नींद आ गई। ये क्या आवाज़ सुनो बारिश की, ट्रैफिक के सारा ही बता दो ना, पूरा ही कह दो कि यार ये रोड पे देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, बाढ़ भी आ सकती है। रुक गई भाई, चलो। हाँ रुक गई, डन, जल्दी खड़ा हो। इसको दे के 200 रुपये, चलो चलते हैं। चलो पूरे पूरे के लिए देने हैं। रुक तो रही है। अरे नहीं रुकी नहीं है, ये चल रही है ना। हाँ रुक गई, चलो चलो गाइस, चलो 200 रुपये रोक के आना, फटाफट चलते हैं। गाइस हम 200 रुपये दूर। अरे यार ये कैसा लगा यार रोड? मैं कह रहा हूँ ऐसे में बाइक चलाना अच्छा नहीं है। दिन निकले आया, अरे दिन निकले आया बस। चलो गाइस हमारा प्लान जो होटल में रुकने का था वो तो हो गया ड्रॉप, तो हम क्योंकि थोड़ा दिन निकले आया था तो और बारिश भी रुकी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि है ना निकल लो, क्योंकि जल्दी से जल्दी है ना हम पहाड़ों पे चढ़ जाए तो अच्छा ही है ना, वहाँ जाके वहाँ होटल लेके आराम से रेस्ट हाउस भी हो जाएगा और वहाँ थोड़ा घूमने का टाइम भी हो जाएगा। यहाँ रुकते हैं, 100 किलोमीटर की थोड़ी दूरी थी, तो इसलिए ना हमने सोचा फिर वो रेस्ट कर लिया तो फिर मन नहीं करे आगे चलने का। देखो बेचारे अंशु की हिम्मत है, अंशु कैसे बारिश में बाइक चला रहा है, देख रहे हो गाइस, सच्ची में ना हिम्मत है। और यहाँ बारिश तो चली रही है, हम लोग भी निकल चुके हैं, हमने सोचा यहाँ रुकने से अच्छा हम जाके मंसूरी रुके, क्यों भैया? तो इसलिए हम निकल चुके हैं, तो वहाँ चल के हम आपको अपडेट देते हैं दोबारा। गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हम होटल से तो निकल चुके थे, तो फिर हम रास्ते में चले तो काफ़ी तेज़ बारिश हो गई, अंशु भीग गया था, और भीगने के बाद देखो पहले तो वहाँ का व्यू देखो क्या प्यारा है, अच्छा लग रहा ना सूरज। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये बाइक, तो हमने सोचा भैया के पास रुक जाते हैं, थोड़ा इसको रेस्ट भी मिल जाएगा और भीगना भी नहीं होगा, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं और मैगी वगैरह खा लेते हैं। तो ये भैया हमारे बैठे हैं, क्या कर रहे हो भैया यार? इंजॉय। देखो भैया तो मैगी खाएंगे और अंशु हमारा लगा पड़ा है उधर, वैसे ना देख लो कैसे हमें ना जेट ब्लैक गाड़ी दिल्ली से यहाँ तक लिया है, और अभी देखो आगे भी लेके जाएंगे। ये हमारी चाय रेडी हो चुकी है, सामने का व्यू देखो कितना अच्छा प्यारा लग रहा है ना, मज़ा आ गया ना। बाकी गाइस आप हर मैं आपको जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा वैसे वैसे देता रहूँगा, तो मिलते हैं आगे चलते हैं, फिर आगे का दिखाता हूँ। गाइस फाइनली हम मसूरी के लिए निकल चुके हैं, देहरादून पहुँचने वाले हैं। तो गाइस हमारा ये नेक्स्ट मतलब स्टॉप रुक चुके हैं, ये देखो अंशु वगैरह, और ये हम आप देख ही रहे होगे, देखो कितना अच्छा सही है ना गाइस। बस निकलते हैं, देखते हैं फिर आपको नया अपडेट क्या हुआ। चलो बाकी लगे हुए हैं, ठीक है गाइस देते हैं नया अपडेट फिर आपको, चलते हैं। गाइस फाइनली हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि जिससे पहाड़ों पे दिक्कत ना हो, तो हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोल डाल दो, 1000 का डाल दो, तो पेट्रोल डलवा लेते हैं जिससे पहाड़ों पे कोई दिक्कत ना हो। तो ये पेट्रोल डल रहा है हमारी गाड़ी में, बाइक में भी डल चुका, डलवा लिया ये हमारी बाइक में पेट्रोल डलवा चुकी है, कि जिससे ना आप समझ रहे हो कि आगे दिक्कत ना हो। तो कितनी चला चुके हैं अभी, डाला नहीं, तो डालो डालो डालो, ठीक है। तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलना स्टार्ट हो गया, चलते हैं। और वहाँ देखो उसमें देखते हैं कितने में फुल होते हैं, ये कितने में होगी फुल, क्या 1400 में, 1400 में फुल हो जाएगी। ये हमारे भाई बनाई हुई है, भर दो भर दो और भर दो, ये देखो ये
बहुत जा रहा है इसमें, सीधी करूँ रुको रुको सीधी करने दो अभी और जाएगा। पैसा रोड है, पैसा रोड है, सिस्टम है, यूट्यूब मनी। हाँ देख लो 1300 का तो आ गया, 1400 का तो मैंने दिल्ली से फुल कराया था, हमने दिल्ली से 1400 का फुल कराया था, 1300 का यहाँ डलवा रहे हैं जिससे हमें अब आगे दिक्कत ना हो। हमने बाइक का तो पेट भर दिया, फुल कर दिया, पेट भरवा दिया, इसका खाना पूरा हो चुका, 1330 रुपये का फ्यूल आया है और चला, मैं चलाऊँ ठीक है। भाई को तो ऐसा लग रहा है थके थके से। ये हमारी गाड़ी हो गई है, हमारी गाड़ी का भी फ्यूल फुल हो चुका है तो हम चलते हैं गाइस। बाकी अपडेट देते हैं हम आपको वहाँ पहुँच के, अब जो भी रास्ते में जो होगा अपने अपडेट देते रहेंगे। तो चलते हैं गाइस, देख रहे हो शक्ल कैसी हो गई है, पागल जैसी शक्ल हो गई है। होटल पे जाएंगे, नहाएंगे, थोड़ा फ्रेश वगैरह होएंगे तो उससे थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा। तो चलते हैं, निकलते हैं, देता हूँ फिर से नए अपडेट। फाइनली गाइस हम है ना मसूरी पहुंच गए हैं, 17 किलोमीटर रह चुका है। अब गाइस ये देखो महादेव का मंदिर, अच्छा लग रहा है ना। बाकी हम थोड़ा रेस्ट के लिए रुके थे तो ये हम पहुंच चुके हैं एक, मतलब कि अब थोड़ा हम जाके फिर रेस्ट करते हैं, सोते हैं और फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं कि हमने क्या इन्जॉय किया क्या नहीं किया। ये हमारे भैया देखो, ये हमारी बाइक। तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ आपको हमने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। तो गाइस मिलते हैं, बाय बाय, लव यू।